अयोध्या में भव्य राम की तैयारियां हो रही हैं, हर एक कोई अयोध्या चला रहा है, लेकिन कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी बड़े जन सैलाब के साथ में आज यात्रा निकालते हुए हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से रामलला के प्रांगण तक पहुंच रहे हैं और पूरा देश और पूरी दुनिया आज अयोध्या आ रही है। बृजभूषण जी, अयोध्या बदल गई क्या? आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं आज से मकर संक्रांति शुरू। कलयुग में त्रेता युग का दर्शन करा दिया मोदी जी ने, कलयुग में त्रेता युग का दर्शन करा दिया मोदी जी ने। आपको लगता है कि जिस तरीके की तैयारियां हैं, भव्य कार्यक्रम होगा, एक पहचान मिल गई? अब त्रेता युग जैसा माहौल है। जो लोग कांग्रेस के लोगों ने मना कर दिया नहीं आएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के मुखिया भी न्योता मिलने के बाद भी आप कह रहे हैं कि बाद में आएंगे, अभी नहीं। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो क्या उनका विवेक इस समय नहीं चल रहा? अवश्य। बड़े तौर पर तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री भी आज यहां पर थे, अनुष्ठान होगा अयोध्या को लेकर के विपक्ष की सियासत। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, अयोध्या के संत जिंदाबाद। सीधे तौर पर मोदी और योगी को जिंदाबाद कह रहे हैं। और बृजभूषण शरण सिंह अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में इस वक्त जो है अयोध्या में पहुंचे हैं। मकर संक्रांति का मौका है और इस मकर संक्रांति के मौके पर साफ तौर पर समझा जाए तो बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां से खुद कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी कहीं ना कहीं राम की शरण में नजर आ रहे हैं। अयोध्या से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।